सर हम देखते हैं कि देश भर में जातिवाद बढ़ रहा है और आप अभी पावन दीक्षा भूमि पर हैं, यहाँ से क्या मैसेज देंगे सर? देखिए देश में बढ़ रहा है एक अलग बात है, लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं दो चीज़ के लिए कि भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर के इन्होंने जो बुद्धम शरणम गच्छामि की बात होती है, इन्होंने कहा कि शिक्षित बनो और शिक्षा बनने देने के लिए इन्होंने फार्मूला भी दिया कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आगे जाके माननीय कांशीराम जी ने भी कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। और बाबा ने जो धर्म है हिंदू धर्म है वहाँ पर अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस थे, छुआ छूत जात पात इत्यादि इत्यादि, तो कोशिश किया उन लोगों ने कि भाई हम लोग सब मानव हैं, हम लोग सब एक माता पिता का औलाद हैं, तो फिर जातियाँ किस बात की। और जब लोग समझा गया कि लगता है कि ऐसा न होगा, तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध धर्म जहाँ जाति पाति की बात नहीं आती है, तो इससे एक बहुत बड़ा प्रेरणा लेना चाहिए जो दलित लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जय भीम कहते हैं हम लोग, लेकिन बाबा साहब ने जो चाहा अपने काम कर करके उदाहरण देके, महात्मा गांधी भी कुछ कहते थे तो उसके पहले अपने करते थे, तो उसी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने करके दिखलाया कि भाई हम जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, मानव धर्म है, एक साथ हैं। लेकिन आज उनके जो फॉलोअर हैं या हम लोग दलित लोग हैं, आज भी उनको हम उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। और जहाँ तक रही बात सरकार की, तो सरकार भी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम पर जोर आज तक नहीं दी है, जिसके कारण 10 लाख 20 लाख दे करके अमीर लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं अलग ढंग से, और हमारे गरीब के बच्चे जो होते हैं वो गाँव घर में पढ़ते हैं, जिनकी शिक्षा एक तरह से अधूरी ही रहती है, संस्कार भी उतना बढ़िया नहीं बनता है। तो वैसी परिस्थिति में बाबा को हम लोग याद करते हैं, और हम जो बाबा को मानने वाले हैं, इसके लिए हम लोगों को ज़रूर बात उठाना चाहिए समाज में, सरकार के सामने, कि ताकि उनकी कही हुई बातों का पालन किया जा सके। सर महाबोधि मुक्ति विहार आंदोलन चल रहा है विगत कई सालों से बिहार में, उसके ऊपर आप क्या मैसेज देंगे? देखिए स्फुटली वहाँ चल रहा है, वहाँ जितने भी लोग हैं सब एक होकर के नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भी डिवीजन्स हैं। तो जो कोई भी आंदोलन होता है, जहाँ पहले ही डिवीजन हो जाता है, तो आंदोलन का जो हालत अभी है तो देख रहे हैं, मुक्ति का जहाँ तक सवाल है देख रहे हैं। अगर एक हो करके वहाँ पर रहेंगे करेंगे तो उसमें हम लोग भी साथ देंगे, और हम लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह से मुक्ति हो, जिससे कि कम से कम बाबा के जो जीवन है या बाबा का जो आत्मा है वो शांति में हो। सर एक लास्ट में सवाल रहेगा, एक अति निंदनीय घटना घटती है बिहार से नवाडा से, उसमें लालू जी एक राजनीति कर रहे हैं, आप दोनों का प्रत्यारोपण हो रहा है, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु ने देखी तीन तैसी, उन्होंने बड़ी ओछी बात कही कि जीतन मांझी ने जीतन शर्मा है, तो हम जानते हैं आरएसएस का भी एक लगाया एंगल कि आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हम जानते हैं कि साहब जो उनका जन्म का सवाल है वो एक गणेरिया के बच्चे एक तरह से हैं, तो इसी पर हमने कहा कि तो उनको तो लालू यादव पाल लिखना चाहिए, लालू यादव गणेरिया लिखना चाहिए, हमने जवाब दिया है। हालांकि इसका कोई वैसा महत्व नहीं जैसा उन्होंने कहा या हम कहा, तो ये बातें कहने लायक नहीं थी, लेकिन बातें हुई। अब रही बात नवादा की जो घटना घटी है, वहाँ पर जमीन के भूखे वहाँ वही पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी को चला रहे हैं हमारे लालू प्रसाद जी, वहाँ शेड्यूल कास्ट का जितना भी चाहे होमलैंड का पर्चा मिला हो या भूदान जज कमेटी के द्वारा उनको परवाना मिला हो या सीलिंग की ज़मीनें मिली हो या फिर बिहार सरकार की जमीन पर जो है उसमें बेकब्जा करने में सबसे आगे हैं हमारे दलित भाई लोग, उतना सलाहियत नहीं रख रहे हैं जिसके चलते वो अपना ज़मीन को बचा सकें, तो चाहे खरीद लेते हैं या नहीं तो उनको घर से डिपोजिट कर देते हैं। वही घटना नवादा में घटी है कि वहाँ 15-16 एकड़ ज़मीन है जिस पर करीब 100 परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, और अच्छा से रहते, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ जो हमारे एक दो समाज के लोग ही हैं उनको मिला लिया वो लोग, और मिला करके इस प्रकार की घटना घटाया ताकि वहाँ से सब भाग जाए। तो ऐसी घटना घटा करके
हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं और हमारे समाज की ज़मीन को लोग कब्जा करना चाहते हैं। यही उन लोगों की एक जनरल तस्वीर हो गई है, जनरल अपना फिनोमेना हो गया है। तो इसको हम लोग ये करते हैं, कंडेम करते हैं।